नमस्कार, मैं भारत उदय समाचार से राहुल जगजीत, स्वागत है मेरे इस चैनल में। सबसे पहले शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, सभी लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। और आज आप दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा से यह कवरेज देख रहे हैं। दादरा एवं नगर हवेली के स्थित सिलवासा में स्थित गायत्री मंदिर है, जिसके पीछे ये बट का पेड़ है, उसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फंक्शन है आज। बट साबरमती का पावन त्यौहार है यहाँ पर पूर्णिमा के दिन, पर आज 27 तारीख को ही ये बट पूर्णिमा पड़ता है और 28 तारीख को भी पड़ने वाला है, क्योंकि आज 27 तारीख को ये बट साबरमती का पूजा हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं लगभग सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही है और एक हाथ में लोटा जिसमें पानी भरा हुआ है कलश जैसा, और उस पानी के अंदर जो ये धागा रहता है वो धागा चलता रहता है और 7 बार फेरा लगाने का इसमें एक विशेष पूजा होता है, जो 7 बार फेरा लगाया जाता है अपने सुख समृद्धि के लिए और अपने अच्छे परिवार के लिए और अपने सुहाग के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये दादरा नगर हवेली के गायत्री मंदिर है उसके बाहर का ये बर का पेड़ है, जहाँ पर भी सैकड़ों महिला है और इसके बाहर ही पंडित जी हैं जो पूजा करवा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और बट सावित्री के पावन अवसर पर यहाँ पर पूजा हो रहा है, अर्चना हो रहा है। देख सकते हैं सुहागन जितने भी जो महिलाएँ हैं वो पूजा कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष कवरेज। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है इसके लिए। माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है, जो इस बार 28 जून गुरुवार को है। वट पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में रखा जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह व्रत सावित्री के रूप में मनाया जाता है। 2018 में ज्येष्ठ मास में अधिक मास के कारण ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा 2 बार पड़ रही है। ज्येष्ठ माह का प्रथम पूर्णिमा 29 मई को थी, यह पूर्णिमा अधिक मास में पड़ रही है, इसीलिए वट पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को रखा जाता है। आप देख सकते हैं बड़ा कवरेज वट सावित्री के ऊपर गुजरात के दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा के गायत्री मंदिर। सावित्रीं वरदां भय कुशकसाम देवस्तां त्रयेत्रां श्रीसत्यां सत्यवत्यां देवत्यां च जनार्दनं। सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। अब देख रहे हैं कि आज वट सावित्री का पावन पर्व है। वट सावित्री के दिन बहन वट की पूजा इत्यादि करती है, भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं और सावित्री से ये कामना करती है कि मेरा सुहाग अखंड रहे, मेरा सौभाग्य अखंड रहे। सौभाग्य अखंडता के लिए आज के दिन उपवास इत्यादि कर फलाहार पर रहकर वट की परिक्रमा वो कच्चे धागे से करती है कि ये कच्चा धागा जिस प्रकार से एक वट में निपट जाता है और वट से सुवास हमें प्राप्ति होती है, जीवन में बस वही सुवास आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो, उस भावना से आज के दिन सुबह से ही ताता लगा है। वैसे एक समय था 8:14 के बाद वह अखंड सौभाग्यवती रहे, अस्तु शुभम भवतु। विशेष दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? आज का दिन ये है, आज के दिन वैसे वट की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आज के इस विशेष दिन पर उपवास ही रहकर अगर वट की परिक्रमा करें तो अवश्य ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उनका सौभाग्य है वो अखंड रहता है। आज के दिन सत्यवान सावित्री की कथा भी हम जानते हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं प्रचलित, अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग कथाएं प्रचलित है, उस अनुसार वट की पूजा करें तो वट जैसे घटाटोप वृक्ष होता है वैसा हमारा जीवन भी घटाटोप बना रहे, हमारे जीवन में सुख शांति व समृद्धि सांपड़े, उस भाव से हमने जो आज पूजा किया। आज जो पूजा करने आई हुई बहनें हैं उन सभी को गायत्री परिवार ट्रस्ट और रामजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दीपक महाराज अपनी ओर से आशीर्वाद प्रदान करता हूं और साथ ही साथ ये भी शुभकामना करता हूं कि उनका सौभाग्य अखंड रहे, अस्तु। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, इसीलिए उन्हें सती सावित्री कहा जाने लगा। यही वजह है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से श्रृंगार कर सभी महिलाएं यहाँ पर बट का जो पूजा कर रही हैं और धागा लपेटने का यहाँ पर जो विधि है वो पूरा कर रही हैं और 7 बार जो 7 बार चक्कर लगाने के बाद बट का और उसके बाद ये पूजा पूरा होता है और कथा सुना जाता है। नो
बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं, उनका लाइन आते ही वो भी पूजा करेंगी और बहुत भीड़ था इस अवसर पर। देख सकते हैं मंदिर के अंदर बहुत भीड़ था, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई थी और पूजा के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वट के आगे जो वट का फेर है उसके आसपास बहुत सारी महिलाएं लाइन में हैं और लगभग सैकड़ों महिला यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं जो पूजा कर रही हैं, क्योंकि कम जगह होने के कारण सभी महिलाओं को एक साथ पूजा नहीं कर सकती है। इसकी वजह से सभी जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो लाइन में लगी हुई हैं, उनका जब लाइन आएगा जब नंबर लगेगा तब वो पूजा करेंगे। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा और पाठ कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो अच्छा विधि है वो है कथा सुनने का, ये बट सावित्री का कथा सुनने का, और कथा सुनते ही पूजा खत्म होता है और दिन भर व्रत रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे करें व्रत, ये भी आपको मैं बता दूँ, ऐसे करें व्रत। महिलाएँ इस दिन उपवास रखती हैं और वट वृक्ष के नीचे बैठ कर पूजा आराधना करती हैं। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखते हैं जिसे कपड़े के 2 टुकड़े से ढक देते हैं। दूसरी टोकरी में सावित्री की प्रतिमा रखते हैं, फिर वट वृक्ष को जल अक्षत कुमकुम से पूजा करते हैं, फिर लाल मौली से वृक्ष के 7 बार चक्कर लगाते हुए ध्यान रखते हैं। इसके बाद सभी महिलाएं सावित्री की कथा सुनती हैं, फिर दान दक्षिणा देती हैं। पंडित जी को पंडित जी से आशीर्वाद देना, उन्हें कुछ दक्षिणा देना, उन जैसे कि कपड़ा हुआ, साड़ी हुआ, चूड़ी हुआ और बहुत सारे यहाँ पर जो सामान है उससे पंडित जी को दान दिया जाता है और कुछ पैसा भी दिया जाता है पंडित जी को। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है जो वट सावित्री का आज पूजा है उसके लिए। आप देख रहे थे भारत उदय समाचार का स्पेशल कवरेज बट सावित्री पूजा के ऊपर। आप देख सकते हैं दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा के गायत्री मंदिर से यह कवरेज, पूरा कवरेज देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। और सभी लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए भारत उदय समाचार। जय हिंद।